और वो तो मतलब जी भाई, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार आज की वीडियो काफ़ी सिंपल सी है। आज हमने कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, बट अभी अभी एक क्लास फिनिश करके हम लोग आ रहे हैं अपनी मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन की क्लास थी। अच्छा, अभी बेसिकली है ना, थोड़ा सा बेसिकली हमें डिस्कस ये करना है कि अब आ रहा है हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली ये है कि मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई मुझे भी फॉर्मेट बताओ कि उसको किस तरीके से मैं डॉक्यूमेंटेशन कर सकता हूँ। मेरे सामने खुला हुआ है अभी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के नाम से। सो मुझे उसने बताया कि भाई आपने इंट्रोडक्शन देना है, लिटरेचर, मेथडोलॉजी, सिस्टम डिज़ाइन वगैरह ये सब आपने उसके अंदर मेंशन करने हैं। बट मुझे लग रहा है अभी ये बड़ा ओवरिकल सिस्टम है, अभी इतना ज़्यादा तो हमें करना नहीं है। हमने बेसिकली सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है कि सबसे पहले हम लोगों ने करना क्या है, इनिशियली फेज पे मतलब स्टार्ट कहाँ से लेना है उस प्रोजेक्ट को। तो उसके लिए बस ये है, मेरे साथ तला भी मौजूद है और राशिद भी है शायद। अरे हाँ, राशिद को आप लोगों ने वीडियोस में नहीं देखा, तो आओगे बताऊँ, इंट्रो करवा दूँ। चले यार, राशिद का भी आपको इंट्रो करवा देता हूँ। और ये तला भाई भी हमारे सामने बैठे हैं, हम इनसे भी डिस्कस करते हैं क्योंकि ये ही मेरे साथ ग्रुप में मौजूद हैं। मेरा नाम राशिद है, मैं भी फाथ की तरह फाथ क्लास में पढ़ रहा हूँ, सैमसंग से स्टार्ट है। बस हम बैठे भी वही परेशान हैं, हमारा प्रोजेक्ट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। अब हमारा तो अभी प्रोजेक्ट शुरू चल रहा है, हमारे टीचर से सेटिस्फाई नहीं है हमारे प्रोजेक्ट से। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स और ग्रुप्स ऐसे हैं यार जिनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, वो उनके पास अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, बट वो ये चाह रहे हैं कि हमें सुपरवाइज़र अच्छा मिल जाए। अब सुपरवाइज़र की जो हमारे यूनिवर्सिटी में जो एक तरीक़ेकार जो हुआ था ना, वो ये था बेसिकली, एक फॉर्म आया गूगल का CR के थ्रू हमारी क्लास के, हमारे पास आया, हम लोगों ने उसको फिल किया। उसमें सिर्फ डिफरेंस हम लोगों को ये सिर्फ इतना मिला था कि टीचर चॉइस करने की 3 choices थी यार, फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन, सेकंड प्रायोरिटी पे कौन, थर्ड प्रायोरिटी पे कौन। बस तो अब वो चला गया फॉर्म, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को भाई ऐसे टीचर्स मिल गए जो उनको चाहिए भी नहीं थे होना चाहिए। जैसे अभी राशिद है ना, इन्होंने भी सबसे पहले एक प्रोजेक्ट के लिए सोचा था यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे बेसिकली। तो उन्होंने सर के सामने गए, उनको बताया है सर ये ऐसा ऐसा है, हम ये करना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, इसके ऊपर प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। सर ने भाई क्लियरली मना कर दिया, AI नहीं होनी चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर, मशीन लर्निंग वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर। तो वी आर लकी, हम लकी रहे कि एटलीस्ट हमें सर ने ऐसा कोई काउंटर नहीं किया सामने से। हम बस एक प्रोजेक्ट का प्रपोजल लेके गए उनके सामने, उनको पिच किया, सर को आइडिया समझ में आ गया, उन्होंने हमारा फॉर्म साइन कर दिया। यार तला एक बात बताओ, अभी वाला जो हम प्रोजेक्ट सोच रहे हैं करने को, मैंने चैट GPT से पूछा भाई, वो उसने मुझे 2-3-4 चीज़ें बता दी हैं यार ये करना है। तो मैं क्या लगता है स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लेनी चाहिए हमें अपने प्रोजेक्ट की? सबसे पहले तो हमें एक ऐप बनानी चाहिए, ऐप पे हमें काम स्टार्ट कर देना चाहिए जल्द से। सबसे पहले हमें ना मार्केट में जल्द से जल्द आना है, तो ये होना चाहिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। यार प्रोजेक्ट बेसिकली हमारा ये है कि जिसके ऊपर बड़ा बेसिक सा होगा, यार आप लोगों ने शायद पता नहीं फेसबुक की सुनी हो कि फेसबुक के जो इनिशियल स्टेजेस थे जब फेसबुक जब बिल्कुल नया नया लॉन्च हुआ था, वो भी एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट था और वो अपनी विद इन अ यूनिवर्सिटी वो उन्होंने अपने ऐसी ऐप बना दी थी सोशल मीडिया की, जहाँ पर यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ मीम्स शेयर करते थे, कोई फनी चीज़ होती थी जो कि सिर्फ यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी और स्टूडेंट्स को ही पता होती थी, आउटसाइडर्स नहीं जानते थे उसके बारे में। तो वही कॉन्सेप्ट फिर आप देख लो आज पूरी वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। इसी टाइप का एक प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई क्वेरी हो किसी किस्म की भी, कोलैबोरेशन का मसला आ रहा हो, कहीं प्रोजेक्ट में स्टक हो रहे हो या आगे की उनको नहीं समझ में आ रही हो कि भाई क्या करना है मज़ीद आगे, तो बस MVP जो बनेगी हमारी बहुत बेसिक सी होगी, एक फ्रंट एंड मोबाइल एप्लीकेशन होगी, बैक एंड पर सिंपल सी जावा या कुछ हम एक लैंग्वेज को यूज़ कर लेंगे और एक प्रोडक्ट को बना के पिच भी कर देंगे और उसको इंशाल्लाह फिर हम आगे बता देंगे। यार राशिद भाई जा रहे हैं यार। तो देखो इस तरीके से मैंने ना चैट GPT को एक प्रॉम्प्ट दिया भाई कि मुझे आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन की एग्जांपल बताओ। फिर इसके अंदर हमारे पास एक सेक्शन है इंट्रोडक्शन का ना, ये वाला, यहाँ पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स स्कोप एंड लिमिटेशंस बाकी ब्रीफ ओवरव्यू वगैरह। तो अभी जो इनिशियल MVP स्टेज पर करना है ना, वो हमारा ये काम है, वो एक प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करना। अच्छा, ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि ताकि आप जो है ना वो चीज़ की टाइमलाइन को मैनेज कर सकें, आपको एटलीस्ट पता हो कि भाई क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, इस तरीके से। तो ओके यार, तो देखो ये एक सिंपल सी प्रोजेक्ट की टाइमलाइन हम लोगों ने अभी स्टार्ट किए, जस्ट फॉर द गोल वन के किस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके साथ उसका गोल वन है। अब ये फर्स्ट गोल मैंने सिर्फ लिखा है और ये इसलिए लिखा था कि हमारे पास जो है काम करने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट आ जाए,
तो भाई हमने लिख दिया भाई कि टू बिल्ड अ एमवीपी फॉर द प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग सिंपल फ्रंट एंड एंड बैक एंड एंड बिल्ड अ सिंपल एंड ईजी इंटरफेस टू स्टार्ट, यानी कि एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बन जाए हमारे पास स्टार्ट। तो उसके लिए हमारे पास टेक्निक्स जो है ना वो कुछ तीन मैंने लिखी हैं, अब इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं बट ये बेसिक्स ही हैं और ये तो स्टार्ट करनी करनी है कि इस पर थोड़ी सी रिसर्च करनी है जिसके अंदर हमारे ये भाई साहब जो बैठे हुए ना ये काम करेंगे, ठीक है, मतलब दोनों मिलकर ही करेंगे लेकिन इनका काम ज़्यादा होगा रिसर्च में। देन उसके बाद सेलेक्ट द लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजीज टू वर्क विद, यानी कि टेक्नोलॉजी देखनी है कि किस प्लेटफॉर्म मतलब कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, किस जावा पे जावा या सी प्लस प्लस जो भी मतलब इस टाइप की लैंग्वेजेस देखनी है फ्रंट एंड बैक एंड की, ठीक है। उसके अलावा टूल्स एंड टेक्निक्स और क्रिटिकल थिंकिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रिटिक एक बेसिक सी टाइम लाइन है जो अभी मैंने बनाई है, बस बैठे बैठे 5 मिनट में बना दी है, बट इसको बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि एक प्रोजेक्ट को स्टार्टअप की तरफ एक मतलब स्टार्टिंग पॉइंट उसका बनाना है प्रोजेक्ट का कि भाई स्टार्टिंग करें। चलिए पहले थोड़ा सा इस बारे में बता भाई, ये हम अब मैंने ये बना दिया, ठीक है, मैंने गोल वन के अंदर ये चीज़ें लिख दी हैं, तुम इसमें कोई एडिशन करो। मेरे हिसाब से हमें ऑडियंस को उस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हमें कोई एक कुछ स्ट्रेटजी और भी करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा गेम करना पड़ेगा कि ऑडियंस आए। ये बात सही है, हमने ऐसे ही करना है, एक फॉरम टाइप का बनाना है यानी कि कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए बस। तो अभी इनिशियली ये प्लान है हमारा इंशाल्लाह ताला, इसमें हम लोग अच्छा इनिशियली तो कुछ और ही हमारी चीज़ थी बट इसको हमने कल बैठ के थोड़ा सा नैरो डाउन किया है कि यार क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लेना चाहिए, तो हमें ये समझ में आया फॉरम का आइडिया, ठीक है। ये था हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का कुछ छोटी सी ब्रीफ वगैरह, ठीक है। इसके ऊपर और भी प्लान्स हैं, इसको मज़ीद आगे भी बढ़ाया जा सकता है, वो कभी इन फ्यूचर आपको जैसे जैसे इस प्रोडक्ट के ऊपर इस प्रोजेक्ट पे थोड़ी सी इन्हांसमेंट होती जाएगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊँगा, ठीक है। उसके अलावा मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनका भी प्रोजेक्ट्स जो है फाइनल ईयर का वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह, इसी तरीके से उनको भी किसी दिन लेके बैठेंगे और उनका भी डिस्कस करते हैं क्या है। अभी तला कुछ एडिशन कर रहे हैं तो इनको कर लेने देते हैं भाई, क्योंकि इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। कुछ कह रहे थे? सही है, बस काफ़ी है। तो यार आज की वीडियो बस इतनी थी, अभी सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करना था, इस पर और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी आगे, जो भी आती जाएंगी वो मैं हाईलाइट करता जाऊँगा वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करके। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो यार इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, इस पर फीडबैक देना। आज का भी बहुत फन ब्लॉग नहीं था, आज का सिर्फ इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था, ठीक है, बस यही था। तो अगर वीडियो पसंद आए तो यार वो जो भी मैंने बोला वो सब कर देना। सो अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड, अंटिल नाउ सी यू अगेन।